माचू भाई कितने बजे उठोगे आप अभी हमें बता दो। 10 बजे जल्दी चल, बहुत बारिश हो रही है तेज। चार ठंड लग रही है तुझे? ठंड लग रही है। कांप रहा है भाई, अब कांप रहा है। पहले बाहर नहीं आ रहा था, अब कांप रहा है। आउट कर ही मंचू यार अद्धा नगर। ओ आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। इसने अपने बैट से खुद ही गिल्ली उड़ा दी है अपनी। गाइस इसका हाथ नहीं पहुंच रहा अभी। ये देखो ये गिरी अभी एक। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार अभी ना गांव में आई, मेरा दूसरा दिन है और आज हमने जाना है मासी के घर वापस शबील है, क्योंकि आज वहाँ पे तो हमने वहाँ पे जाना है। पर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आज वहाँ पे काम जाना, क्योंकि आप आवाज़ अगर मेरे पीछे सुन रहे होगे, मैं आपको दिखाता हूँ यार इतना ख़राब मौसम है ना। मौसम देख रहे हो यार कितना ख़राब हो रहा है, पानी पानी हो रहा है, बारिश हो रही है इतनी तेज बार बार, और हमने जाना भी एक्टिवा पे, तो यार मुझे जाना मुश्किल लग रहा है। उनको भी यार शबील कैंसिल करनी ही पड़ेगी, अगर बारिश ज़्यादा रही ऐसे ही तो उनको भी वो भी शबील लगाने पाएंगे। मैं तो यार उठ चुका हूँ और इतना ठंडा मौसम हो रखा है। ये चाहे बारिश हो रही है पर मौसम इतना ठंडा हो गया ना, पक्के की भी जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, इतना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। माचू उड़ जा यार। माचू ये हमारा गोलू भाई सुबह सुबह 6 बजे उड़ जाता है और ये 8 बजे तक भी नहीं उड़ता। माचू भाई कितने बजे उठोगे आप अभी हमें बता दो। 10 बजे बागीचे में, घर में बागीचा है इन्होंने लगाया हुआ है मामू। उन्होंने पिछली बार जब मैं आया था इतने कम पौधे लगाए हुए थे, इस पर इतने ज्यादा मतलब हर एक जगह पे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा दिया इस पर। उधर आम का पौधा भी है, इस पर हर जगह पे कुछ ना कुछ मतलब एक एक चीज लगा दिया, पिछली बार नहीं था। तो सुबह सुबह ये देख लो इसने कांड कर दिया है हमारे रिदू भाई ने। सुबह सुबह इसने बेड अपना बिस्तर गीला कर दिया। रिदू ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने सुबह सुबह? हैं पता नहीं, मैं तो सो रहा था। क्यों क्या ये तू सोया होता है, तुझे पता नहीं चलता? छोटा सा बच्चा है ये अभी। तो यार बारिश दोबारा शुरू हो गई, अगर आपको दिख रही होगी अब ज़्यादा तेज हो रही है, अचानक ज़्यादा तेज हो रही है। पर अब थोड़ा सा पीछे आपको शायद लग रहा होगा देखने में, ये देखो दिन दिन चढ़ गया थोड़ा सा भी। इस मौसम में यार शबील का तो मुश्किल है, मुझे तो कैंसिल ही लग रहा है। मैंने अभी कार्तिक को वैसे फोन करके पूछा था, वो कह रहा है हमने लगानी ही लगानी है पर हमसे नहीं जाओगा बारिश, क्योंकि आप सुन रहे होगे अगर आवाज़ इतनी तेज हो रही है नहीं जाओगा यार आज तो पक्का। रिदू तेरे पास कोई गेम है? दिखा मुझे कौन कौन सी तेरे पास गेम। ओए क्या बात है, इधर ट्रैक्टर पड़ा है, वो सूटकेस में क्या है? सूटकेस में ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स है, दिखा मैं भी देखूँ। ऐसे ब्लॉक्स है। अच्छा इससे वो बड़ बिल्डिंग बनाते हैं, टबलिंग। अच्छा वो टबलिंग टार। क्या बात है, चल खेलते हैं। इस पर मैंने बैठ के तोड़ रखा, ये देखो रैक लगा। ओहो तोड़ दिया, जोर से उछला था इसके। सर ये गेम मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ, मैंने पहली बार ही देखी टबलिंग टार। नाम पता था मुझे पर पहली बार खेल रहा हूँ, देखते हैं कैसा मजा आएगा कि नहीं। ऐसा कुछ टावर बनाया है ये देखो इसमें से, ये तो कैसे खेलनी है समझा थोड़ा सा मुझे। नहीं नहीं एक एक ना ये निकाल निकाल के ना ऊपर इसके सेटल करना है सारा। अच्छा ऊपर रख के जाना, अगर निकालते निकालते आपका टावर गिर गया तो। हाँ बस बैलेंस बनाना है इसका ना। अगर ये बाहर निकल गया तो निकाल के देखो। हाँ निकलेगा, इसलिए ट्राई करो कौन सा निकल रहा है, इसके ऊपर रखते जाओ बस ऐसे सेटल करते जाओ। बस तो गिर जाएगा बहुत जल्दी, फिर से नहीं बस वही इजीली मतलब वो रखो ना आराम से रखो, यही तो चल रही तेरी बारी। निकाल गया, बच गया, बच गया। यार कौन सा निकल रहे हैं, मुझे तो सभी मुश्किल लग रहे हैं। ये बीच वाले मैंने देखा इजी है, बीच वाले निकल जाते हैं, कोशिश करता हूँ उस साइड से निकलेगा ये। ओ ओ ओ गिर जाएगा। ओ निकल गया, अब इसे ऐसे ऊपर रखना है बीच में। गिरेगा तो नहीं। ओ बच गया। अच्छी गेम है यार, मजेदार गेम है ये तो। एक ब्लॉक पे खड़ा दूंगा। तू ही हारेगा मेरे से आज। नहीं आप हारोगे। तू हारेगा। गिरेगा यार से। ओह गिर गया। तो यार ये गेम मैं जीत चुका हूँ, मैं पहली बार खेल रहा था फिर भी मैं जीत गया। रिदू हार गया। रिदू कैसा लग रहा है हार के? मजा आया।
बाहर नहाने जाना है बारिश में पक्का देख ले। चल चलो जल्दी चल, बहुत बारिश हो रही है तेज। जा ठंड लग रही है तुझे? ठंड लग रही है। ओ चला गया बारिश में, ठंड लगवाएगा तू देखना अभी। तौलिया नहीं पहले नहा तो सही। डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। गिरेगा गिरेगा, एक बार मैं ऐसे ही बचपन में गिरा था तब तो मेरा दांत टूट गया था। अरे ये देख लो, ये पाइप से पानी आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, छत से सारा पानी आ रहा है। और इतना ठंडा पानी है ना ये, भाई इतना ठंडा पानी है यार ये। अरे मैंने सोचा नहीं था कि गांव में दूसरे दिन में इतना अच्छा मौसम हो जाएगा। लुधियाने में तो इतनी गर्मी बढ़ रही थी ना, और इधर आके। और आपको नाम बताता हूँ गाँव का नाम, मैं काफ़ी दिन से बोल रहा था गाँव गाँव गाँव। तो ये गाँव का नाम नंगल है, नंगल मैं आपको बता देता हूँ, वैसे नंगल है इस गाँव का नाम। चल आ जा, बस कर आ जा, आ जा नहीं तू भी आ जा जल्दी। रिदू टावल ले ले, ठंड लग जाएगी। टावल ले ले, ठंड लग जाएगी। कांप रहा है भाई, अब कांप रहा है, पहले बाहर नहीं आ रहा था, अब कांप रहा है। तो यार फाइनली हिमांशु भाई उठ चुके हैं हमारे। हिमांशु ने कुर्ता पजामा डाल लिया है, पूरा चिट्टा कुर्ता पजामा, आगे जा रहा है मुंडा साडा। रुक इधर, रुक इधर, रुक इधर, रुक। ये क्या लगा रखा है? जो ट्रक पे लगाते हैं। ये क्या है, ये क्यों लगा रखे हैं तुमने? अच्छे लग रहे हैं पर यार सॉफ्ट है। अभी बारिश खत्म हुई है और हमने साथ में, यार बोर हो रहे थे अंदर बैठ के, अभी हमने साथ में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। प्लेयर हम चार ही हैं, एक हिमांशु है, एक गोलू है और एक रितु। हिमांशु की बॉलिंग है, हिमांशु दे दे, हिमांशु दे दे, दे हिमांशु आउट कर रही मंशु यार, इदा ना कर। ओ आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। देखा नहीं तू? ओए गोलू चीटिंग ना करी, चीटिंग ना करी। इसने अपने बैट से खुद ही गिल्ली उड़ा दी है अपनी। अब हिमांशु की बैटिंग है, ये हमारा सबसे बेकार प्लेयर है अब तक का, ये दूसरी बॉल पे आउट होता है हमेशा। तो एक तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है, फिर से बारिश शुरू हो गई है, फिर अंदर जाना पड़ेगा। देख रहे बारिश हो रही है, बस अब अंदर चल रहे हैं यार, अपने और खेलेंगे बस, बहुत जितना खेले खेलिए बस, अब अंदर चलेंगे। A few moments later. मैं तो यार सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई यार खेलने के बाद। अभी मैं उठाऊँ 4 बज रहे हैं, अभी दोपहर के, शाम के 4 बज रहे हैं। और मैंने भी देखा यार मामू अपने घर का खुद कलर करने वाले हैं, अभी वो वाइट कलर बना रहे थे, अभी वाइट कलर करने वाले हैं। मैंने भी किया था जब हमारा घर बना था, मैंने भी यार अपने घर को ब्लू कलर किया था, अपने कमरे को खुद कलर किया था मैंने। मामू भी खुद कलर कर रहे हैं अपने घर को। यार ये कलर मामू ने खुद बनाया अपने हाथों से, इस कमरे में कलर करना है मामू ने, खुद ही करेंगे मामू, एक्सपर्ट। पहले मामू ने उस कमरे में भी किया था, ये वाले कमरे में, ये देखो वाइट पेंट, यहाँ पे भी मामू ने किया है नया नया। अभी अभी हम मीना नानी के घर जा रहे हैं, यहाँ पे मेरे एक नानी रहते हैं। तो जाने का कारण ये है कि यहाँ पे पूरे गांव में मेरे, मुझे नहीं लगता जल्दी किसी के घर वाईफाई मिलता है, पर उनके घर वाईफाई लगा हुआ है। आपको पता 3 दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं अपलोड किया यार, यहाँ पे वाईफाई किसी के घर नहीं है, सिर्फ उनके घर है। तो यार वहाँ पे हम ब्लॉग मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अभी। बारिश के बाद देखो यार कितना अच्छा हो गया, ग्रीनरी शाइन कर रहा है सब कुछ। तो इधर यार गोलू को अंबिया तोड़ने के लिए लगा दिया है हमने। गोलू दिखाई कंबी, दिखाई कोई तोड़ के, दिखा किधर पे हमने। ये रही अंबिया, इधर तोड़ के रख ली है। ये देखो यार ये होती है अंबिया, छोटी छोटी हरी हरी सी। खानी है मंशु? खानी है? हल्ला कैच कर, तो इसे यहीं पे रख देते हैं यार अभी। और तोड़ यार गोलू। गाइस इसका हाथ नहीं पहुंच रहा अभी, ये देखो ये गिरी अभी एक। रिस्क सच्ची बहुत है, दीवार देख लो कि नहीं पतली है गाइस, जितने खड़े हैं आराम ना आराम ना। ओ गिरी, और दो गिरी, और दो गिरी। प्रोफेशनल है साडा गोलू इस काम च। यार नीचे अभी कॉफी गिरी है, दिख नहीं रही होंगी, बारिश हो गई है। अंबिया तोड़ते तोड़ते आ जा थले, आ जा, बारिश आ गई यार अंबिया तोड़ते। ओए आ जा, बहुत तेज हो गई बारिश। चलो यार चलो। तो यार अभी हम थोड़ी देर तक यहीं पे रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा ही तेज, हम नहीं जा सकते इतनी देर बारिश में, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर है। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, फिर चलते हैं घर। यार बारिश तेज हो रही थी, भाग के आए बिल्कुल। तो यार वहाँ से फ्री होके बड़ी मुश्किल से, जब थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो हम बीच में आ गए थे, दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है।
लाइट यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है तो यहाँ पे मतलब लाइट गई हुई है अभी, तो हमने टॉर्च जगाई हुई है लाइट। ये देख लो यहाँ पे कैंडल्स जलाई हुई है, मोमबत्ती जलाई हुई है। तो आज मामी ने बनाया रेडुआ यार, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, तड़के वाली में तड़का लगा अच्छे से, देखते हैं कैसा बना है। और इधर मोमबत्ती में रोटी बनाई जा रही है आराम से, टिपिकल वो कहते हैं ना, टिपिकल गांव वाली फील आ रही है बिल्कुल। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं यार, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से शेयर करो।